ये बिल्कुल सच है वी लाइक अ पर्सन एज लॉन्ग एज दैट पर्सन प्रेज इज आस इवन इफ इट इज अ रॉन्ग अप्रेजल हमारी तारीफ करे हमें अच्छा बोले हम हो ना हो अच्छे डोंट, यू कैन नॉट से एनीथिंग इल अबाउट मी आई नॉट आई नॉट लीव यू इफ यू स्पीक इल टू मी इसीलिए चाप झूठी तारीफ करने वालों की भीड़ में आप बहुत खुश रहते हो दोज हुम यू कंसिडर योर फ्रेंड जस्ट लुक डीपली दे आर दोज हु विल नेवर स्पीक इल अबाउट यू टू यू और टू एनीबडी ये अच्छे है अच्छा अच्छा बोलते और तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक सो आई विल प्रेज यू यू प्रेज मी गुड क्लब अप्रेजल क्लब ये बिल्कुल सच बात है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स के साथ आप ऐसा बिहेव करते हो सच बात मैंने उस दिन भी कही और आज फिर से कहती हूं सच ये है कि अगर मैं तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुंह पे कर दूँ, तुम हमसे भी नाराज हो जाओगे यू विल गेट एंग्री विद मी और वो गुस्सा अंदर पाल के रखोगे दो साल पांच साल दस साल जहां कहीं मौका लगेगा वो गुस्सा तुम निकालोगे इसीलिए भाई गुरुदास जी कह रहे हेमुख हम गुरु वाले नहीं हैं हम भक्त नहीं हैं हम दुष्ट हैं कौन होता है दुष्ट हार्ड कोर रफ इगोटिस्टिक पर्सन नो कंपैशन नो मर्सी नो लव नथिंग अब अगला शब्द गाली है हराम खोर हराम खोर क्यों जो देखो दुनिया में इसको गाली इसलिए बोलते हैं जिस बच्चे को अपने बाप का पता ना हो तो उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है बास्टर्ड हार्ड वर्ड यू नो, वेरी हार्ड वर्ड नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड बाय दिस एवर एवर बट भाई गुरदास जी स्पीकिंग दिस वर्ड फॉर हिमसेल्फ, व्हाई? एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू ही वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट पर्सन ग्रेट भक्त ऑफ गुरु एंड येट ही फॉर रीजन हम राम के बच्चे हैं और हम राम को भूल गए हैं और हम मैं 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 करते रहते हैं तो ये हराम खोरी हो गई इट्स वेरी हार्ड वर्ड बट सो ट्रू मैंने मेहनत की है मैंने फैक्ट्री खड़ी करी है मेरी बीवी है मेरे बच्चे हैं मैंने घर बनाया है मैंने बड़ी मेहनत करके डिग्री पाई है मैं मेहनत करके अमेरिका में सेटल हुआ था मैंने इंग्लैंड में झंडे गाड़ दिए इतनी मेहनत मैंने, मैंने, मैंने की है मैंने की है मैंने की है अरे तेरे मुँह से कभी नहीं निकला ये कि राम जी की कृपा है कि मेरे से हुआ है राम ने शक्ति दी इस शरीर को तो शरीर ने काम किया राम ने शक्ति दी बुद्धि को तो बुद्धि पढ़ लिख पाई राम ने शक्ति दी मेरे मन को तो उसकी भक्ति हमें कर पाया ड्यू रेली एवर गिव क्रेडिट टू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग देखिए कैजुअली कभी कभी मंदिर में खड़े या किसी सत्संग में खड़े या बैठे में या किसी महात्मा के सामने आप बोल दो जी सब भगवान की कृपा है दैट इज जस्ट अ वन टाइम स्टेटमेंट व्हाट इज द ट्वेंटी फोर आवर फीलिंग विच यू हैव आई हैव डन इट आई हैव डन इट आई हैव डन इट आई हैव डन इट मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया किया तो सब उसने बोलते हैं हम में है। हैं तो हम राम के बच्चे पर हम राम को अपना पिता नहीं मानते हैं राम को प्रभु को हम अपना मां पिता नहीं मानते ये संसारी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ मन इतना जुड़ा है मां सुबह शाम गाली देती हूँ तो भी है मेरी मां बाप ने कभी आपको उतना केयर और मोहब्बत और उतना प्यार न दिया हो आफ्टर ऑल वो भी तो दुनियादार एक आम इंसानी तो है वो भी कान खींचे कि मार पिटाई करी कि तुमने जो मांगा वो नहीं दिया या वो अपने कामों में मस्त रहा वो तुम्हारे पास बैठा ही नहीं कभी लेकिन फिर भी कोई तुमसे पूछे तुम्हारा पिता कौन तो तुम उसी का नाम लोगे जिसके शरीर से तुम जन्मे हो तुम्हारे मन में ये बात नहीं आती कि पिता तो प्रभु है मेरे माँ तो भगवान है मेरी अच्छा आपको भगवान का तो अभी पता नहीं तो फिर उसका दूसरा वर्जन ये आता है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी सखा सहोदरा मेरा गुरु ही मेरा माँ है मेरा गुरु ही मेरा बाप है मेरा गुरु ही मेरा सखा मैंने दोस्त है मेरा गुरु ही मेरा सहोदर वेल विशर है तो हमने ऐसा करते नहीं इसलिए वो कहते हराम खोर ठग थग देश ठगंदा हम ठग हैं हम दूसरों से धोखे से तारीफें लूटना चाहते हम दूसरों पर अपना हुक्म चलाना चाहते इट इज सच अ लवली थिंग ना टू हैव फोर पीपल कमिंग टू यू ऑल द टाइम्स प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू एंड यू थिंक यू आर अ इंटेलिजेंट फिलासफर सोक्रेट्स डी व्हाई? So मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ बुआ जी की बात सुनाती हूँ हम लोग एक बहुत बड़े आश्रम में म, आ, वो ठहरे हुए थे कर्नाटका में मैं उनको मिलने गई तो मैंने देखा वो मुझे कहते चलो जो यहाँ के महंत हैं उनको मिल के आते द हेड ऑफ़ द मठ लेट्स गो एंड मीट एंड आई एम आईविंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड आई हैव कम हियर फॉर यू नॉट आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट वेल महात्मा लोगों का ऐसा होता है वो अगर कुछ कह देना तो वो करके ही रहेंगे चलिए बींग हंड्रेड ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू वॉक अ अबिथ समाइम्स क्लाइंबिंग स्टेज वॉज मोर टफ

यू कैन ओनली से यस जो भी वो कह दे यस yes. हम लोग ऊपर गए तो वो महंत जी बहुत बड़े चांदी के सिंहासन पर बैठे हुए थे द मोमेंट बुआ जी एंटर्ड स्वामी फोर लेडीज हैंड्स बाउड इज हैड एंड वेंट क्लोज टू हिम ना ही वॉज सिटिंग एंड स्वामी जी इज स्टैंडिंग and he had not a courtesy to get up so what if you are rich mahant don't you have eyes to see that an, such a old yogi has come to see you he never got up from his seat i was fuming i was fuming seeing that तो ऐसे हाथ जोड़े थोड़ा बात किए और फिर चाचा -चा चा चलते और स्वामी बुआ ही नेवर टर्न्ड हिज बैक टू द महंत ही केम इन अ रिवर्स ऑर्डर सीधे चलना मुश्किल है और रिवर्स चलने ऐसे छोटा छोटा स्टेप लेके दरवाजे तक आए और देन ही टर्न देन वेरी विद ग्रेट डिफिकल्टी ही क्लाइंब डाउन दोज स्टेयर्स and then sat on the wheelchair and went to my car and then he took the back seat I took seat with him the doors closed Kanchman was driving so just three of us he looks at me and says I did good na I said what आई प्लेड वेल आई सेड यू प्लेड सो वेल एंड इट वॉज जस्ट अ गेम फॉर हिम एंड देन ई सेड बोले ए मोटे गुरु को बोलो एक सूरज नमस्कार कर देगी सारी गुरुगिरी निकल जाएगी उसमें एक आसन करके दिखा दे मुझे क्योंकि वो उनके आश्रम में रह रहे तो उनको आदर देना बनता है, और वो मुझे मिलवा रहे हैं मुझे दिखा रहे हैं। जाते हुए मुझे था कि जाए क्यों रहे वापसी जब तक हम घर में नहीं पहुंच गए जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे माने हंस हंस के पेट में दर्द हो गया इतने आंसू उनके निकले ना आंख से हंस हंस के तो पूरे रास्ते वो अपने आंसू पोषते रहे और मतलब बुरा हाल हो गया हंस हंस के बट आई सेड व्हाई वर यू डूइंग दिस गेम व्हाट वाज द नीड सी ही सेड यू आर लाफिंग दैट इज द नीड आई वांटेड यू सी लाफिंग दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस अपना सर्वस्व ईश्वर को जानना प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूं ये विचार ये भाव हमारे अंदर बना रहे लेकिन भाई गुरुदास कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं नहीं काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा कामनाएं हैं मन में क्रोध है मन में लोभ है और अहंकार है ये तो हम करते हैं विश्वास घाती गण मैं को ना रखन। मैं विश्वास घाती हूं किसका ईश्वर का भाई ईश्वर ने विश्वास से हमको शरीर दिया हम शरीर को मैं 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 कर रहे हैं तो क्या विश्वास नहीं तोड़ा उसका उसने संसार देखने समझने सीखने के लिए दिया हम संसार को सत मान के मेरा मान के उसमें अटक के बैठ गए तो क्या यह विश्वासघात नहीं और फिर जिंदगी में कितनी चिंता करते रहते हैं हर बात पे चिंता हर बात पे एक तो कर्म अच्छा नहीं ऊपर से चिंता करते हम चिंता करें यह भी एक विश्वासघात है कैसे जब परमात्मा मेरे साथ है कोई ऐसा समय हो सकता है जब आप कहो कि परमात्मा आपके साथ नहीं है जब परमात्मा हमारे साथ है और हमेशा है और हम ये बात भूलते तभी तो चिंता करते हैं ना कल क्या होगा हाय मेरा क्या होगा हाय मेरा क्या होगा तो ये परमात्मा से विश्वासघात होता है सुख ही सुख मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं जीवन में हर सुख आता है चला जाता है हर दुख आता है चला जाता है हम धीरज ही नहीं रखते वी आर सो इंपेशन वी गेट Intolerant, in little difficulty, and we start crying, With little difficulty, we are heartbroken. We don't allow our mind to be patient. We don't train our mind to be tolerant, patient, and having perseverance. Dhiraj. धैर्य बहुत आवश्यक है पर यह कितना आसान हो जाता है ए, अगर हम बस इतनी ही बात याद रखें हम अकेले हैं ही नहीं हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ है तो चिंता कैसे आएगी अकृत घन मैंने जो किसी का किया उपकार याद न रखे उसे अकृत घन बोलते और उसने हमें क्या नहीं दिया पर क्या हमें एहसान मानते हैं? क्या हम ईश्वर के लिए धन्यवादी होते हैं नहीं नहीं हमारे पास लिस्ट है शिकायतों की ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता वैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता हम यह भूल जाते हैं कि संसार की इस गेम में परमात्मा ने मन बुद्धि और शरीर दिया और कहा कि अब इस अकल को इस्तेमाल कर और समझ क्या गलत क्या सही विवेक जागृत करो विवेक मीन्स अबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू False and truth, misery, misery and, and happiness. Develop your brain. So, we, we have the intellect in a seed form, and then we are supposed to nourish it, train it, cultivate it. So that we never do anything wrong and we always do right.

ग्रोसरी स्टोर से इन अ ब्राउन बैग तो ब्राउन बैग ना ऐसे फूला हुआ होता है तो उसमें सामान था फिर सारा सामान आपने घर आके निकाल दिया एंड यू कैप दैट ब्राउन बैग ऑन द काउंटर इन सम्बटी शॉ फ्रॉम ए डिस्टेंट एंड ही केम रनिंग ओह वॉट इज देयर इन द बैग लेट मी एम टी इट एंड कम जन सी ओ इट्स एलरेडी एम टी ब्राउन बैग सिट्स विद दिस बिग पॉट वैली ब्लोटेड and from distance it seems it has something but when you come close there is nothing so you are like that brown bag <laughs> 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 empty पर ये जो अहंकार है ना ऐसे फूला फूला वैसे मोटा मोटा घूमता है ना जो है वो देखेगा नहीं जो नहीं है उसके लिए रोता रहेगा रोता ही रहेगा रो और आपका यही अहंकार आपको आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अपने आप को माफ करना मुश्किल हो जाता है यू हर्ड देर इज अ क्रिश्चियन चर्च समवेयर इन यूरोप वेयर दे हैव दिस सिस्टम दैट द मंक्स ऑफ दैट चर्च Beat themselves up, they lash themselves with the leather hunter. Why do they do this? They do it for the reason that they have sinned. They have sinned. Not actually done anything, but that is the whole story that we are, we the humans, are born out of the sin done by Adam and Eve. So we are all sinners. as per their theology. So we are sinners and Jesus had to die on the uh, the cross for us. So we do sin and he has to die for us. And with his blood we became purified. So the Son of God, had done such a sacrifice for us, the sinners, so they beat themselves with a hunter, leather hunter. You know, it's like a whip with a long strain, and they, they hit themselves and they bleed. Many कोई पुण्य का काम कोई ईश्वरीय काम हो रहा है लेकिन अगर उसका मनोविज्ञान समझा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये तो सूत्र सारे गलत समझे तो सूत्र ही नहीं समझे और दूसरे अपने आप को ऐसे कोड़े से पीटो ये कम से कम जीसस ने तो कहीं नहीं कहा ना उन्होंने खुद को पीटा ना उन्होंने अपने बारह शिष्यों को कहा के पीटू अपने आप को पर किस कारणवश उन्होंने ये शुरू कर लिया तो साल में एक दिन होता है आप शायद न जानते हो मैक्सिको में कुछ लोग ईस्टर के दिन उस क्रॉस लकड़ी का बनाते हैं और अपने कील ठुकवाते हैं टू फील पेन व्हाट ही फेल्ड व्हाट पेन जीजस फेल्ट दे डू दैट अब पता नहीं उनको कैसे किसी ने कह दिया कि ऐसा करना एक बड़ा धार्मिक कार्य है हिंदुस्तान में भी आ, एक वर्ग है जो इस तरह कोड़े से अपने आप को पीटता है लेकिन वो धीरे धीरे भिखारियों ने अपना लिया वो चौक में वो ड्रम ढोल बजाएंगे और एक बंदा अपने आप को पीटेगा और दूसरा जो उसका बेटा बेटी कोई है साथी वो ऐसा पैसा लोगों से इकट्ठा करते रहते ए, उसको असल में दिमागी इलाज की जरूरत है पर देखने वाले भी लोग कैसे हैं वो खड़े होकर देखते हैं फिर पैसा देते हैं और फिर वो पैसा कमाने के लिए खुद को पीटता रहता तो गलती पे गलती पे गलती हो गई हिंदू धर्म में इस विषय में बड़ा स्पष्ट है हम कर्म करते हैं तो हम कर्म का फल भोगते हैं हम किसी के किए गए कर्म का फल नहीं भोगते हैं तो कोई किसी के लिए अपने आप को कोड़े मारे उससे किसी के पाप दूर नहीं हो जाएंगे आप कर्म करेंगे आपको फल है आप पाप करते हैं आपको फल है ये ट्रांसफर नहीं इट इज नॉट वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर यू कैन सेंड मनी टू एनी अकाउंट देर आर मेनी कंपनीज एंड एजेंसीज हु अब लोग जाते हैं ना गंगा जी नहाने तो वहाँ आप देखो तो वैसे डुबकी लगाते गंगा में बाबूजी की ये मम्मी की ये बहन की ये चाची की ये मामी की ये भैया की ऐसा नाम ले लेके वही क्या कर रहे हो तो बोले उन्होंने कहा जो तो एक डुबकी हमारे लिए भी लगा देना मैं चलो वो तो तुमने लगा ली डुबकी पर इसका पुण्य फल उनको ट्रांसफर कैसे करोगे और ठंड है और मानो तुम डुबकी लगाओ ही नहीं और जाके बोलो हाँ हमने लगा दी तो बच्चे हैं ना बच्चे ऐसी गेम खेलते रहते तो धर्म में भी लोग इस तरह का गेम खेलते रहते मेरे नाम से दान कराना हम पैसे तुम्हें दे, दे देंगे मेरे नाम से कुंभ में स्नान कराना फल हाँ हमें मिल जाएगा हम तुम्हें पैसा देते हैं हमारे हिस्से का हज तुम कराओ तो जो पैसा देता है ना आधा पुण्य उसको मिलता है हम ना खुद हज पे जा सके तो किसी को भिजवा दें आधा फल तो मिल ही जाएगा हर धर्म में आप देखिए ये काम चलता है बुरा नहीं मानिएगा मैं ए, अब ऐसा है जब लोग चीज करते हैं ना तो अगर इसके ऊपर टिप्पणी कर दो तो लोग ही नाराज हो जाते कह रहे क्या गलत है इसमें भाई गलत कुछ नहीं जो मर्जी करो but I डू हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन सो आई एम saying my ओपिनियन इफ यू डोंट लाइक इट reject रिजेक्ट opinion ओपिनियन इफ यू you यू कैन रिजेक्ट मी I आई डोंट केयर अब बचपन में हमारे uh, मोहल्ले में सुखमनी साहब का पाठ होता था वो पाठ सब इकट्ठे बैठ के करते अच्छा लगता फिर कीर्तन होता बड़ा अच्छा लगता फिर जब अरदास होती ना तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था कारण ये अरदास टेक्निकली तो बहुत छोटी है लेकिन अरदास फिनिश होने के बाद जो अरदास कर रहा होते हैं ना भाई जी उनके हाथ में ऐसे ऐसे लम्बा सा परचा होता है और इस पर्चे में कम से कम बीस नाम हो सकते हैं पच्चीस नाम हो सकते हैं तो वो अरदास होने के बाद कहेंगे कृपाल सिंह जी ने इक्यावन रुपये अरदास भेंट दी है उनकी माता जी बीमार है वो ठीक हो जाए राजर सिंह जी के घर में थोड़ा दुख चल रहा है प्रभु वो ठीक हो जाए है सच्चे पाँच साल सुरेंद्र कौर के ये तकलीफ हो रही वो ठीक हो जाए इतनी उसने दी इतनी अरदासनो से खड़े खड़े ना मैं तो थक जाती थी और फिर मैं देखती थी जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते दास की लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही लेकिन हम तो बच्चे हैं हम नहीं जाके कह सकते हैं उनको क्या आप इतनी लंबी लिस्ट क्यों पढ़ते हो और एक बार एक कुछ बुढ़ी माइया जो होती ना इनको कोई नहीं रोक सकता और वो भी पंजाब की भगवान बचाए उनसे एक दिन माई ने भाई साहब को रोक लिया कहते तू अरदास इतनी लंबी क्यों करता है तो गुरु जान नहीं जान है नाम मत लिया कर तो कह रहे नहीं बीबी जी नाम लेना जरूरी होता है कहते है, क्यों क्यों भगवान को अपने जैसा समझता है भाई गुरु सब दिया जानता है ना लेने की लोड़ कोई नहीं तो भाई साहब गुस्सा हो गए तो घर वालों को कहना पड़ा नहीं जी हमारे माता जी को अकल नहीं है आप छोड़ दो बुढे हो गए ना दिमाग खराब हो गए आप करो जो आपने करना कभी टिप्पणी करते हैं मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा हो क्यों इतनी ऊंची मीनार पर चढ़ के इतने जोर जोर चिल्ला रहे हो क्या तुम्हारा अल्लाह मियाँ उसको सुनता नहीं है